सारे काम हो गए, मगर ये अनुषा अभी तक नहीं उठ रही है। रात को लाइट बार बार कट हो रही थी, इसलिए बहुत परेशान हुई। नींद पूरी नहीं हो रही है क्या अभी तक? हाँ उठ जाओ, फिर नाश्ता बना के देती हूँ। और टाइम हो रहा है जी, कितना टाइम हो रहा है, ये अभी तक नहीं उठ रही है लड़की। साथ में किंजू को भी सुला रखा है। हाँ किंजू, बना दो नाश्ता, जल्दी उठो चलो। आज मेरे लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। ये भी मेरे पराठे तैयार हैं, मेरे नहीं आलू के। और सब फिनिश कर देना, तब फिर से बचाओ। और ये इसका नाश्ता और हमारा लंच सब एक साथ हो रहा है। हो गई सुबह, तो अनुषा का नाश्ता हो रहा है और अनुषा के पापा खाना खा रहे हैं दोपहर का। लंच हो रहा है, इनका नाश्ता, इनका नाश्ता हो रहा है। नाश्ता लंच दोनों साथ में ही कर रही है अनुषा आज है। इतना लेट उठ रही है ना दो दिन से। तो हस्बैंड गए थे, और हस्बैंड सुबह ही चले गए थे अपने पापा को दवाई दिलाने के लिए, अभी आए हैं। और वो गए थे, मैं भी दोबारा से सो गई थी, अनुषा तो सो ही रही थी। तो हस्बैंड अब आए हैं, काफ़ी लेट हो गया। मिली दवाई ठीक है? तो इधर बन रही मेरी चाय और अनुषा उसके पापा नाश्ता कर रहे हैं, और 12 बज रहे हैं। तो अब मैं लंच ना थोड़ा लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर बाद इनको एक दो घंटे बाद भूख लग जाएगी, तो लंच में ना कुछ हल्के बना लूँगी, चावल वगैरह कुछ भी। तो चलिए फिर मैं भी चाय पी। तो मेरा लंच बन चुका है, मैंने बनाया मटर की चावल, ये सैलेड और ये टमाटर की चटनी। तो चलिए फिर अनुषा उसके पापा को लंच दे देती हूँ फिर। और ये हो रहा है लंच, लंच। और ये इंजू सो रही है। अनुषा ने बालों में तेल लगाया है ना, तो इसलिए कह रही है बालों में पता नहीं क्या क्या लगा देती हो, फिर वीडियो बनाती हो। वो तो मैंने बता ही दिया, हटा दो बस। खड़ी रहूँ मैं फिर? ठीक है मैं खड़ी हूँ। हेलो गाइस, मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो मेरे सारे काम हो गए, लंच बना लिया है, और हस्बैंड और अनुषा ने कर लिया है लंच। मैंने अभी किया नहीं था, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी थी, और लंच कर लो ना फिर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। तो नमाज़ पढ़ ली और अब बहुत तेज भूख लग रही है, मगर मैं चावल नहीं खाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल मेरे बिल्कुल बंद है। डॉक्टर ने मना किया था, और इतने दिनों से मैं घूम रही हूँ और इतने चावल खा रही हूँ, इतने चावल खाए हैं, चेहरे पे भी स्वेलिंग आ गई थी। मैंने दो दिन से नहीं खाए हैं चावल, तो चेहरा भी अभी ठीक लग रहा है, नहीं तो मेरा पूरा शरीर पर सूजन आ जाती है चावल खाने के बाद। तो अभी चावल नहीं खाऊँगी, अभी अपने लिए रोटी बनाती हूँ। पर अनुषा नहाने गई है, इसलिए आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उसके बालों में तेल लगा था। तो कह रही थी क्या चिपचिपा करके मुझे दिखाती हो, तेल लगा लगा कर। और बस अब मैं अपनी रोटी बना रही। इंजू कहाँ सो रही है? इंजू कहाँ सो रहा है? ये अलमारी पर ही चढ़कर सो जाती है जब उसको नींद आती है। और मेरे ससुर जी आए हुए हैं बाहर, मैंने अपने लिए बनाया है अंडा और रोटी। और ये अनुषा अब तो दिखा सकती हो? और ये CID चल रहा है, और ये मैं इंजू बच्चा इंजू। मम्मी हमारे साथ लंच क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि मैं चावल नहीं खाती, मैं फिर सो जाती, सोना आ जाती है। आप अकेले अकेले खा रही हो? और आज मैंने मटर के चावल बनाए थे, तो उस लड़की ने ना सिर्फ मटर मटर लगा रहा है, सिर्फ चावल खाए, खाली मटर निकाल देती है, खाली सब्जी को नहीं खाती। मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ अनुषा को पता ही नहीं कि वीडियो बन रही है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? और कहीं घूमना है बता दो, कहीं और भी जाना हो तो हम ले जाएंगे। कहीं नहीं जाना?
लाल किला बस ठीक है, हम लाल किला भी दिखा देते हैं, कल चलते हैं। ठीक है ठीक है, कल लाल किला घुमा के लाती हूँ लोगों को। तो अनुषा का मन है लाल किला जाने का, और देखते हैं उसके पापा से बात करूँगी, कल जाएंगे अगर चलते हैं तो। और अभी बज रहे हैं 8 और मैं अपना डिनर बनाने जा रही हूँ। अनुषा बाय। तो ठीक है डिनर बना लेती हूँ मैं, और अनुषा के पापा क्या कर रहे हैं देखती हूँ, बाहर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो मोबाइल? हाँ सब लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं। हम तो नहीं लग रहे अपने काम में, हमेशा ये अपना फोन देखते रहते हैं। ओ, लड़की देख रहे थे इसमें? लड़की नहीं है, शॉर्ट वीडियो है। खाना बनाने जा रही हूँ, चलो खाना बना। तो ये बना रही हूँ मैं अपना शाही पनीर। तो पनीर मैंने काट लिया, ये टमाटर प्याज गरम मसाला। तो चलिए फिर बनाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पनीर तल क्यों रही हूँ, शाही पनीर में तो पनीर तल के नहीं डलता, मगर मेरे हस्बैंड को पनीर तला हुआ ही पसंद आता है, बिना तला हुआ वो अच्छा नहीं लगता, उनको खाते ही नहीं है वो। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया पहले तलना बाद में बनाना, तो मैं तल कर बना रही हूँ। तो ये मेरी इंजू बिना तला हुआ ही पनीर खाती है। इंजू इंजू खाना हट जा खाने दो पहले। इंजू कहा है उसको भी दे दो। अनुषा मेरी मदद करा रही है। क्या करा रही है अनुषा? खीरा काटे सलाद बना रही है अनुषा, अब मेरी मदद कराने लगी है ना अनुषा। और पनीर मैंने तल लिया है, और मैंने काफ़ी बार देखा है मैं कुछ भी तलती हूँ ना तो वीडियो में ना वो ऐसा लगता है जैसे जल गया हो, काफ़ी डार्क लगता है, और वैसे देखती हूँ वैसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होता है ब्राउन कलर, मगर पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है, लगता होगा शायद जैसे कि ये जल गया है। कुछ भी बनाती हूँ ना डार्क ज़्यादा लगता है वीडियो में, पकौड़ी हो गई या कुछ भी तली हुई चीज़ होती है ना तो डार्क ही लगती है, और वैसे नहीं होती है। किसने मंगाया चोरी, किसने करने को बोला? हाँ और ये लड़की जब भी पनीर बनाती हूँ ना उसके पापा वैसे तो खाते ही हैं, और ये चोरी कर करके भी अपने पापा को खिलाती है। हाँ और कुछ छूती भी नहीं है कभी। अब कहाँ जा रही है? तो पापा छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे हैं क्या जो बच्चों की तरह खिलाती है उनको? हाँ और ये मेरे से मिर्ची गिर गई है। गैस गंदा ना करूँ मैं कुछ बनाऊँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। हेलो, हम बना रही है रोटी। अब ये रहा बना दो तब आ रहा सलाम अलैकुम बाजी। और ये किन्नू का बर्थडे केक कट रहा है। पकड़ यार नहीं नहीं काट दे काट दे भाई काट दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। किन्नू मुझे भी किन्नू मुझे भी अच्छे को
वो कह रहे थे पापा अच्छा है, अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो किन्नू की वीडियो कॉल आ गई थी, उसका बर्थडे है ना, तो वो केक काट रहा था इसीलिए। तो चलिए हम अपना काम, तो खाना बन चुका है मेरा, पनीर, शाही पनीर। अब खाना देती हूँ, और ये इतनी देर से अनुषा बहुत परेशान कर रही है, पता नहीं इसको कौन सी डिश बनानी है, तो मुझे बनाने दो, बनाने दो। क्या बनाना है? बनाना है, बनाने दो, कल बनाना। पता नहीं क्या क्या इसका मन करता रहता है बनाने के लिए कल बनाने दो मेरा बेटा, कल पहली बार मैं बेटा नहीं कर बनाऊंगा कभी चलो फिर खाना दे देती हूँ। सोचे किसी पड़ोस को तो हम अपना डिनर कर रहे हैं, और ये अनुषा का जूड़ा है माशाल्लाह नज़र न लगे अनुषा के जूड़े का। और अनुषा पनीर खाती नहीं है, तो उसे पूछती हूँ उसे कैसा लग रहा है आज। अनुषा कैसा निकालोगी भी आप ऐसे करती रहोगी? मैं इसको शाही पनीर से मटर पनीर बनाने की कोशिश कर रही हूं। शाही पनीर से मटर पनीर कैसा बन जाएगा? जल्दी से निकालो, चलो खाओ फटाफट, अच्छे से खाते हैं। मैं वो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी इंजू, कितनी सुंदर सी है ना इंजू, इंजू।